पटना प्रशासन ने आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर हुई छात्र हिंसा के मामले में दो टुक कहा है। शांति व्यवस्था में गड़बड़ी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पटना के कोचिंग संस्थान के संचालकों के साथ बैठक में जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी छात्रों को भड़काएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन कोचिंग संचालकों के नाम इस एफआईआर में दर्ज हुए हैं वे सब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फुटेज के आधार पर किया गया है, लेकिन ऐसे लोगों को पहले नोटिस दिया जाएगा और फिर उनका जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि जो लोग भी विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के सदस्यों ने पटना के एसपी और जिलाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि खान सर सहित अन्य कोचिंग संचालकों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सभी शिक्षकों को सक्षम पदाधिकारी के समक्ष बयान देना होगा। कोचिंग एसोसिएशन का कैसे सहयोग रहेगा? हम लोग सारे बच्चों से बेसिकली अपील करना चाहते हैं कि रेलवे ने ऑलरेडी कमेटी फॉर्म कर दी है, उसमें सभी का राय मांगा गया है ईमेल के थ्रू भी, और DRM ऑफिस और ये जितने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वहाँ पे आपको देना है। हम लोग सारे बच्चे के साथ मिल करके उनके जो मांग है अपने तरीके से हम लोग रखेंगे भी, वो लोग डायरेक्ट भी अपना दे सकते हैं। हम लोग सिर्फ पूरा कोचिंग और टीचर्स लोग बेसिकली जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनसे बेसिकली अपील मेरा यही है कि अभी संयम बरते और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर वाला सिचुएशन नहीं क्रिएट करें, और जितने भी चीज़ें हैं जितने भी सरकारी संपत्ति वगैरह हम ही लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से किया गया है, और हम लोग अपनी मांगे उचित फॉरम पर रखेंगे। एक तो ये, दूसरा प्रशासन के द्वारा हम लोग का जो भी 4-5-6 कोचिंग के टीचर्स के द्वारा के पे जो FIR हुआ है उनको बगैर अरेस्टिंग का आश्वासन दिया गया है कि अपनी बातें आ करके वहाँ रखें जब तक वो जितने भी उन पे चार्जे लगे हैं जब तक वो उसी क्रम में प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। इन प्राथमिकियों में जो लोग पकड़े गए उनके अतिरिक्त जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ किया, और क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को पता चल गया था कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको पूरी तरह से डिजिटली कंट्रोल किया जा रहा है, उसके जो भी मोबिलाइजेशन हो रहा है वो पूर्ण रूप से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हो रहा है। और जो सबसे इसमें दुखदायी बात थी कि जो वायलेंस हो रहा है कहीं पे भी हो रहा है उसको लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है दूसरे लोगों को दुष्प्रेरित करने के लिए। तो हमने सभी का जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं फेसबुक ट्विटर अकाउंट्स से जो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हो रहा था तो उनका हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, और उससे पता चला कि कुछ जो जिनके नाम की प्राथमिकी में आई भी है पत्रकार नगर में उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है, लगभग 6 ऐसे व्यक्तियों के नाम आए हैं जो कि कोचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए थे, जिनकी यूट्यूब चैनल्स को हम लोगों ने फॉलो भी किया, एनालाइज भी किया जो वीडियोस थी, तो कुछ चीज़ें जो उसमें प्रकाश में उसके आधार पर हम लोगों ने एफआईआर किया है स्टूडेंट्स के अतिरिक्त। अब अनुसंधान के अगले क्रम में इन सभी जो व्यक्तियों के नाम आए हैं उनको एक बाज़ाफ्ता 160 का नोटिस होता है वो भेजा जाएगा, और उनको अनुसंधान में सहयोग करने के लिए अनुसंधान में जुड़ने के लिए एक निर्धारित स्थल और टाइम दे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।